हेलो फूडीज, वेलकम टू फूडी कपीश। आज हम बनाने वाले हैं मीठी सेवैया। इसके लिए लगने वाले हैं ये सामग्री। हम बूनी वाली सेवैया से बनाने वाले हैं मीठी सेवैया। ये है इलायची, घी, ड्राई फ्रूट्स, चीनी और ये सेवैया। हमने लिया है ये पैन, उसमें हम घी गरम करेंगे। हमने डाला है घी, आप इसमें थोड़ा सा ऑयल भी यूज कर सकते हैं। घी गरम होने के बाद हम सेवैयों को दो पार्ट्स में मोड़ेंगे। और धीमी आंच पर आपको सेवैयों को सेकना है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो रहा है। अच्छे से सेवैयों को भूने। हम ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा पानी। पानी ज्यादा यूज नहीं करना है, हम थोड़ा सा ही यूज करेंगे। अभी भी हम धीमी आंच पर ही पका रहे हैं सेवैयों को। अब हम ऐड करेंगे चीनी। मैंने 1 कप सुबह और चीनी लिया है ताकि अच्छे से मिठास आ जाए सेवैयों को। चीनी मिल चुकी है सेवैयों में, हम अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम पकाएंगे। अब हम ऐड कर रहे हैं ड्राई फ्रूट्स, इलायची। आप इलायची पाउडर डाल सकते हैं। पांच मिनट में हमारी सेवैया रेडी है। ये अभी थोड़ी चिपकी हुई लग रही है, बट एक बार थोड़ी ठंड हो जाए तो ये खिली खिली लगेगी। हम सर्व करते हैं सेवैया। ये रही हमारी मीठी खिली खिली सेवैया। आप भी अपने किचन में जरूर बना के देखिए। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट के द्वारा हमको बताइए कि कैसी रही रेसिपी। थैंक यू।